जिसे एक रुपए की कीमत का पता होता है वह करोड़ों मिलने पर कभी घमंड नहीं करता। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा मनुष्य क्या है, अहंकार हर चीज का बहुत जल्दी कर लेता है और जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पर चढ़ता है उसे लगता है परिवार रिश्ते नाते सब बेकार हैं, इनसे हमें संबंध तोड़ देना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी ये सफल जीवन क्या होता है। तो बच्चा यानी कि बेटा था तो पिता ने क्या किया, बेटे को ऊपर ले गया पतंग उड़ाने के लिए। अब वो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग ऊपर जा रही थी, थोड़ी देर में बेटे ने एहसास किया कि धागे के कारण पतंग ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा रही है। उसने अपने पापा से कहा कि पापा इस धागे को तोड़ दे क्या, ताकि ये पतंग स्वतंत्र होकर आकाश में बहुत दूर ऊंचाइयों पर चली जाए। पिता ने कहा ठीक है, तो उसके पापा ने डोर तोड़ दी। जैसे ही वो धागे से अलग हुई थोड़ी दूर तो ऊंचाई पर गई, लेकिन फिर वो हवा में लहराकर किसी अनजान जगह पर गिर गई। तब पापा ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा जैसे इस पतंग का हश्र हुआ है वैसे ही इंसान का होता है। वो रहस्य बता रहे हैं उसे सफल जीवन का। कहते हैं कि मनुष्य की उन्नति के अंदर कई बार वो सोचने लग जाता है कि माता पिता समाज परिवार घर गृहस्थी गुरु ये बाधा बन रहे हैं, उसका जीवन जो है स्वतंत्र नहीं है। वो ऊंचाइयों पर उड़ना चाहता है लेकिन इन रिश्ते नातों से बंध कर वो ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पा रहा है। ये सब रिश्ते नाते उसे एक अनुशासन में बांध कर रखना चाहते हैं। जब वो ऐसा सोचता है तो उसका भी वही हाल होता है जो इस पतंग का हुआ, क्योंकि वो कुछ समय के लिए तो ऊंचाइयों पर जाता है उन्नति करता है लेकिन फिर उसका पतन हो जाता है। इसलिए माता पिता परिवार गुरु समाज हमें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समाज में रहते हुए हमें सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। ये जो धागे और पतंग का जुड़ाव था, जो आपस में संतुलन था, इसे ही सफल जीवन कहते हैं। तो आप भी अपने परिवार से सगे संबंधियों से अपना यानी कि जुड़ाव बनाए रखिए, लगाव बनाए रखिए। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हुए हमें सबसे अपने रिश्ते नाते बनाकर रखने चाहिए। वो बाधक नहीं बल्कि हमें उन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी पसंद आई और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते ना, मैं बोल रही हूँ शाई काई करो, करो 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 करो। अगर नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। करना परेशान हो गए हम लोग। अगर आपने वर्चस्वी की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, ताकि वर्चस्वी शर्मा के चैनल पर भी आपको बच्चों की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिला करेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इतने के लिए बाय।